खेल के मैदान से आपको बड़ी खबर से आगाह किया जाता है कि शान मसूद ने बाबर आजम पर खड़ी खड़ी तनकीद कर दी। शान मसूद का कहना था कि अगर बाबर आजम ने टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं दिखानी तो उन्होंने टेस्ट खेला ही क्यों। शान मसूद का ये भी कहना था कि बाबर आजम को अब शादी कर लेनी चाहिए, उनको अपनी शादी के बारे में अब कुछ सोचना चाहिए क्योंकि वो परफॉर्मेंस तो दिखा नहीं रहे, हो सकता है शादी के बाद उनकी परफॉर्मेंस वापस आ जाए। शान मसूद ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच हुए, दो टेस्ट मैचों में बाबर आजम ने एक भी अच्छा और शानदार शतक नहीं खेला। बाबर आजम अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, जब नहीं खेलते तो फिर वो नहीं खेलते। पता नहीं बाबर आजम क्या सोचकर खेलते हैं और क्या सोचकर नहीं। बाबर आजम ना 50 बना रहे हैं और ना सेंचुरी। इतना अच्छा मौका था पिंडी के स्टेडियम में, लेकिन बाबर आजम ने फिर भी कोई मैच ना खेला। शाह मसूद ने बाबर आजम पर सख्त तनकीद करते हुए ये भी कहा कि बाबर आजम को अब शादी कर लेनी चाहिए, अगर बाबर आजम शादी ना करें तो फिर अपनी परफॉर्मेंस पर ही वापस आ जाए। शाह मसूद जो कि टेस्ट के नए कप्तान बने हैं, उन्होंने बाबर आजम पर यह भी तनकीद की है कि बाबर आजम जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते थे T20 में, वनडे में और टेस्ट में, अचानक से इनकी परफॉर्मेंस कहाँ गायब होगी, कहाँ वो चले गए, कहाँ परफॉर्मेंस।